अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइनर ड्रेसेस लेकर आई हूँ। ये मास्टर रेप्लिका है उनके, तो ये मुझे ऑर्डर था। आप लोग भी इस तरीके से मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कस्टमाइज़ यानी आप लोगों की साइज़ के हवाले से बना के भेज सकती हूँ। होल सेलर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज या चेस्ट साइज़ के हवाले से इसे स्टिच करवा सकते हैं। तो आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या काम हुआ हुआ है। जिसे क्या आप देख रहे होंगे, इसमें मुख्तलिफ जो है सीक्वेंस वर्क के साथ इसमें आपको मिरर वर्क भी दिखाई देगा और इसमें इस तरीके से छोटे छोटे स्टोन्स भी लगे हुए हैं। इस तरीके से बूटी बनी हुई है और ये सीक्वेंस के साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, स्लीव्स बनी हुई है इसकी। और आप देख सकते हैं इसमें जो है डोरी पाइपिंग के साथ इसे बनाया हुआ है अस्तर लगा के। फुल कंप्लीट मैंने जो है कस्टमाइज़ करवाया है कस्टमर्स के साइज़ के हवाले से। और ये देखिएगा, इसमें इस तरीके से टसल्स वगैरह भी एडेड है। और फिर साथ में आप इसके बॉटम देख सकते हैं, पॉइंटा जिसे हम कहते हैं। इन्होंने कैपरी बनवाई है ज़्यादातर, तो ये कैपरी के हवाले से ही बनी हुई है। तो इस तरीके से ये बंच दिया हुआ है और अभी इसका दुपट्टा आ गया सीक्वेंस वर्क के साथ। और बीच बीच में इसके सीक्वेंस वर्क के साथ फ्लावर वाला जाल बूटी का दिया हुआ है, ठीक है। ये बूटियाँ बनी हुई हैं और ये साइड में पूरा दुपट्टा रेडी टू वेयर है। और साथ में इसमें किरण भी लगी हुई है दुपट्टे के, आपको वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिएगा जी, अब क्लियर हो जाता है। ये दुपट्टा इस तरीके से बिल्कुल रेडी टू वेयर है। तो ये मेरा एक आर्टिकल कंप्लीट होता है, मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल भी पार्टी वेयर फैंसी में दिखा रही हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये नेक्स्ट मेरा जो है रेडीमेड यानी रेडी करवाया है ये एक और ड्रेस है, रियाज कलेक्शन के हवाले से है ये। और इसमें इस तरीके से पल्स वगैरह लगा के और इनर लगा के ये पूरा बना हुआ है। स्टफ़ इसका ऑर्गेन्जा है, ये ऑर्गेन्जा पे हुआ हुआ काम। इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं कि इसकी एम्ब्रॉयडरी में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। और इस तरीके से इसका गला दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा इसकी एम्ब्रॉयडरी है ऊपर से लेके नीचे तक। ये दामन बनाया हुआ है इसका, इसको भी डोरी पाइपिंग करके फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है। आप स्टिचिंग की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, मैं बार बार इसलिए दिखाती हूँ ताकि नए देखने वालों को पता चल सके कि काम की क्वालिटी और काम की नौइयत क्या है। तो ये इसका जो है स्लीव्स कंप्लीट होता है, फ्रंट हो गया और बैक भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। इसकी बैक पर भी काम हुआ हुआ है। प्रीवियस ड्रेस के बैक को भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके से बैक भी इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। नीचे दामन पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, बैक दामन। तो ये है, अच्छा साथ में इसके दुपट्टा है, इस पर भी टसल्स लगे हुए हैं, ये फुल रेडी टू वेयर है। और इसमें मैसूरी फैब्रिक के साथ जो है ट्राउज़र दिया हुआ है, तो ये मैसूरी फैब्रिक का ट्राउज़र है इसका। तो इस तरीके से ये ड्रेस भी कम्प्लीट होता है। ये प्रीवियस ड्रेस जो मैंने आपको दिखाया था ब्लैक वाला, ये उसके बैक है। बैक का आप देख सकते हैं इस तरीके से बूटी वर्क के साथ नीचे दामन में काफ़ी चौड़ी पट्टी के साथ इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। तो माशाल्लाह से ये ड्रेस भी दो आर्टिकल्स मेरे कंप्लीट होते हैं। मैं थर्ड आपको दिखाती हूँ जी। थर्ड ये गुलाल का जो है डिज़ाइन है, गुलाल जो ब्रांड है उसका, आप देख सकते हैं ये हॉट फेवरेट चल रहा है स्टिल अभी तक ये मार्केट में और क्लाइंट्स में, ये बहुत पॉपुलर है। ये स्टॉक पे स्टॉक इसके आते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितनी खूबसूरती के साथ पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, पूरा काम हुआ हुआ इसमें। इस तरीके से काम दिया हुआ है और ये स्लीव्स हैं इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड, आप लोग ये स्लीव्स भी देख सकते हैं। फिनिशिंग के साथ ये पूरा ड्रेस कम्प्लीट हुआ हुआ है, दोनों स्लीव्स हो गई इसकी। अच्छा, इसकी बैक भी उसी तरीके से बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैक पे छोटी छोटी बूटियाँ हैं और साथ ही फिर उसके जो है दामन पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये दामन है बैक की, सीक्वेंस वर्क है वो है। और बैक साइड पे छोटी बड़ी बूटियों के साथ इसको एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, यानी फ्रंट बैक
स्लीव्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। अब ये इसका ट्राउज़र है, यानी कस्टमर की डिमांड पे ये तो प्लाजो वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, कैप्रीज। आप लोग अपने हिसाब से इसे प्लाजो बनवाना चाहें या फिर आप इसे जो है शलवार बनवाना चाहें, ट्राउज़र बनवाना चाहें, जो भी चाहें आप बनवा सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से इसका वो है एम्ब्रॉयडरी है, और नेट का इसका दुपट्टा है जिसमें दोनों साइडेड फुली पल्लू में जो है एम्ब्रॉयडरी है इसकी, और पल्लू भी ये काफ़ी ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, देख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ इसका खाली है, बाकी पूरा का पूरा पल्लू इसका सेम एज़ ओरिजिनल बनाया हुआ है ये आर्टिकल भी। मैं एक दफ़ा दूर से दिखा देती हूँ ये पूरा कम्प्लीट ड्रेस आप लोगों को, बैक लुक के साथ है। मैं फ्रंट लुक के साथ भी दिखा देती हूँ, तो ये फ्रंट लुक के साथ आप देख सकते हैं ये आर्टिकल इस तरीके से मुकम्मल होता है। अब ये लॉन में इन्होंने जो है ऑर्डर जो ड्रेसेस किए हैं वो भी मैं आप लोगों को शो कराती हूँ। उसमें से पहला आर्टिकल जो है मैं दिखा रही हूँ आपको आयरिस ब्रांड का है, ये देखिएगा, ये बिल्कुल उसकी जो है आयरिस की जो है ट्रिपल ए कॉपी है, फाइनेस्ट इसकी जो है वैरायटी है। आप देख सकते हैं फुली इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, नेक लाइन पे भी एम्ब्रॉयडरी है, इस तरीके से साइड भी फुल दामन तक इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरा यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है। फिर ये पट्टी आ गई है प्रिंटेड की, और ये प्रिंटेड है, स्लीव्स प्रिंटेड है, और बैक इसकी प्रिंटेड है, ठीक है। और साथ ही ट्राउज़र है, ट्राउज़र के साथ ये इसका जो है इसी तरीके से जैसे मॉडल पिक्चर में बनवाया है मैं, कस्टमाइज़ किया हुआ है। और अब मैं आपको इसकी बैक दिखा देती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये इसके बैक का प्रिंट आ गया, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। आयरिस इस वक्त वेरी पॉपुलर चल रहा है, आप इसमें से कोई सा भी आर्टिकल जो है उसका ऑर्डर कर सकते हैं। ओरिजिनल भी मिल जाएगा आप लोगों को, डिपेंड करता है कि आप ओरिजिनल पहनना चाहेंगे या फिर आप लोग रेप्लिका को कंसीडर करेंगे, क्योंकि रेप्लिका में प्राइजेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, और जो है ओरिजिनल में प्राइजेस जो है आपको पता है जो प्राइजेस होती हैं वो वैसी ही रहती हैं। तो ये अब लीलन में, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो एक वीडियो पहले भी बनाई थी उसमें फैब्रिक दिखाया था, उसमें उन्होंने जो है ये तीन फ्रॉक्स बनवाई हैं लीलन के हवाले से। तो ये तीन प्रिंट्स में है, एक जो है स्नेक प्रिंट है, एक खूबसूरत सा रेड ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है, और ये प्रिंट तो बहुत आप देख रहे होंगे मोस्ट फेवरेट, बच्चों में भी इन है और बड़ों में भी इन है, ये भी बहुत ट्रेंडी चल रहा है ये प्रिंट। तो लीलन के तीन प्रिंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिएगा ये कुर्तियाँ हैं उनकी जो उन्होंने कस्टमाइज़ करवाई हैं आपको, इनमें भी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कुर्ती आई हैं ब्रैग ब्रांड की, तो आप देख सकते हैं। तो इसके हवाले से इसमें इस तरीके से नेक पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, और जो है ये पूरा स्टिच करवाया है उन्होंने, ठीक है, मेरे क्लाइंट ने, बहुत ही अच्छी सिस्टर होती है मेरी वो भी। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से इसका प्रिंटेड दामन है, गले पे एम्ब्रॉयडरी है। ये एक और कुर्ती आ गई उनकी, तो इस तरीके से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ में डोरी पाइपिंग है तो कुछ में इस तरीके से, जैसे कि ब्रांड में आजकल पट्टियाँ चल रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पट्टियाँ लगा के फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है इसको। तो मुख्तलिफ फैब्रिक्स में इन्होंने कुर्तियाँ बनवाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। ये मैं फ्रंट लुक दिखा रही हूँ, अब मैं इसकी बैक दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये इसकी बैक आ गई, इसकी बैक है, ये दूसरी कुर्ती की बैक आ गई। तो आप ये देख सकते हैं दोनों कुर्तियों को मैंने फ्रंट और बैक दोनों लुक से आपको दिखा दिया है। अब ये कुर्तियाँ जो है लैम लाइट ब्रांड के हवाले से हैं, वो लॉन की थी। अब ये वाली जो कुर्ती है ये आप देख सकते हैं ये कॉटन के हवाले से है, इसका फैब्रिक कॉटन है, इसमें भी जो है पाइपिंग की गई है, पाइपिंग लाइक पट्टियाँ लगाई हुई हैं फिनिशिंग के लिए, सेम एज ओरिजिनल लैम लाइट ब्रांड की तरह ही की स्टिचिंग की गई है, और उसी के हवाले से बिल्कुल सेम बनाया हुआ है क्योंकि लैम लाइट ब्रांड की कुर्ती है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये जकार्ड फैब्रिक की कुर्ती है, मेरे पुराने देखने वालों को तो पता ही होगा इस कुर्तियों के हवाले से। तो ये जकार्ड की कुर्ती है, इस तरीके से इसे भी जो है पट्टियों के साथ फिनिशिंग दी हुई है, आप सिलाई की देख सकते हैं सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ हुई हुई है, सेम एज़ ओरिजिनल बनाया हुआ है, स्टिचिंग वगैरह भी बिल्कुल सेम की तरह की गई है, गला भी वही रखा हुआ है, डिज़ाइन कंप्लीट वही डिज़ाइन है। तो ये दो कुर्तियाँ और मुकम्मल होती हैं। अब ये जो कुर्तियाँ आ रही हैं इसमें जो है ये लॉन की कुर्ती है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको ये ब्राउन वाली दिखा देती हूँ, फ्रंट से ये ऐसे ये प्रिंटेड कुर्तीज़ हैं,
रिगालिया ब्रांड की डोरी पाइपिंग दिया हुआ है इसमें, डोरी को ऐड किया हुआ है। इसके अंदर डोरी आ जाती है तो डोरी पाइपिंग कहलाती है, अगर डोरी ना हो तो पट्टी की पाइपिंग हो जाती है, जो कि दूसरी कुर्तियों में हुई हुई है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है, राउंड नेक के साथ ये बनाया हुआ है। अब इसकी बैक के प्रिंट भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, तो आप लोग इसे भी ऑर्डर पर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मुख्तलिफ कुर्तीज़ के साइज़ को होल सेलर्स भी इस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट कुर्ती है, इसका कलर देख सकते हैं, ये डार्क काई ग्रीन टाइप का जो है कलर है, उसके साथ मुख्तलिफ फ्लावर का प्रिंट है। बहुत ही प्रिटी कुर्ती है ये भी, स्लीव्स देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से है, राउंड नेक के साथ ये बनाया हुआ है। अब मैं इसकी बैक का प्रिंट दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो ये देखिएगा व्यूअर्स, इसका बैक का प्रिंट ऐसे है। गर्ल्स आप लोग आराम से ये कुर्तियाँ अपने लिए बनवा सकते हैं, जीन्स वगैरह पे वेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं बाहर। तो ये देखिएगा, ये एक और कुर्ती आ गई, डार्क ग्रीन कलर है इसका, और फ्रंट इस तरीके से प्लेन है। प्लेन फ्रंट भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी होता जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है डिफरेंट किस्म की एंटीक ज्वेलरी या कोई और जो है डिफरेंट किस्म की चेन्स वगैरह लोग वेयर करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। और ये बैक प्रिंट आ गया इसी प्रिंट का, प्रिंटेड ये तीन कुर्तियाँ हैं। अब ये जो है चौथी, और आपको मैं दिखा रही हूँ एक और लास्ट इनकी कुर्ती जो इन्होंने कस्टमाइज़ करवाई है, वो है लैमलाइट ब्रांड से, और ये खद्दर फैब्रिक के ऊपर है। तो इन्होंने तमाम फैब्रिक्स का ऑर्डर किया हुआ है, इस तरीके से पट्टी इसकी भी फिनिशिंग की गई है, देख सकते हैं सिलाई वगैरह, आप देख सकते हैं सिलाई कितनी नीट हुई हुई है इसकी। और इसका जो शेरवानी कॉलर बनाया हुआ है, फ्रंट बैक लुक जो है जिनकी सेम है, मैंने आपको नहीं दिखाई थी, और इसका देखिएगा ये भी सेम ही है, आगे से थोड़ा ज़्यादा प्रिंटेड है, पीछे से सोबर सा स्टाइल है इसका। नेक्स्ट आर्टिकल ये जेड मारिया बाय जेड एस टेक्सटाइल के हवाले से है। ये आर्टिकल इस तरीके से ऊपर गले से लेकर नीचे तक लाइक एम्ब्रॉयडर्ड है वेस्ट तक, उसके बाद हिप के नीचे से जो है ये इस तरीके से यहाँ से ये पूरा नीचे तक प्रिंटेड आ रहा है, इस तरीके से ये आर्टिकल बनाया हुआ है। ये इसकी प्रिंटेड स्लीव्स हो गई, डोरी पाइपिंग इसमें की गई है फिनिशिंग के लिए, और फ्रंट बैक लुक सेम है, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वहाँ पे भी हुई हुई है इसी तरीके से, ये आप देख सकते हैं। और इसका प्लेन जो है ब्लैक में कैप्री बनवाया है। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, जिसे चिकनकारी या शिफली वर्क के आजकल मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और इन चल रहा है। तो इस तरीके से ये इसकी प्रिंटेड स्लीव्स आ गई, और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ये फुल एम्ब्रॉयडरी चल रही है इसके ऊपर। ये लॉन के फैब्रिक दिखा रही हूँ, मैंने वो ब्लैक आर्टिकल भी लॉन फैब्रिक में दिखाया था, ये भी लॉन है विद शिफली वर्क। इस तरीके से इसमें जो है क्रीम ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र है, पर इसके अंदर प्रिंट है, इस तरीके से ये प्रिंटेड है। और अब मैं इसकी बैक भी दिखा देती हूँ, प्रिंटेड बैक है इसकी। एक्चुअली अकेले काम करने की वजह से थोड़ा सा जो है आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा होगा, तो ये आगे इसका पूरा नीचे तक प्रिंटेड बैक, ये आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। अब ये आर्टिकल एक और है, तो ये इसका जो है ब्लैक कैपरी बन गया, और साथ में इस तरीके से इसकी जो है कमीज़ आ गई है। अच्छा, इस ब्लैक के साथ जो है ये वाली शर्ट है, ये शर्ट है, इसमें देखिएगा ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है दामन तक, और ये नीचे से प्रिंटेड दिया हुआ है। तो जो ब्लैक कलर का कैपरी मैंने अभी दिखाया था वाइट प्रिंट के साथ, उसमें जो है इस तरीके से ये पट्टी लगा के इसको फिनिशिंग दी गई है, ये भी प्रिंटेड है, स्लीव्स इसकी प्रिंटेड है, फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडर्ड है, और बैक इसकी जो है प्रिंटेड है। तो ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक आ गया, और ये इस तरीके से, और पीछे से प्रिंटेड है, सोबर सा टच है इसका, और दामन जो है इसका सेम है। अच्छा, ये आर्टिकल जो मैंने आपको दिखाया, इसमें ये फुली एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडरी आ रही है, और साथ ही ये बीच में इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं, नीचे दामन में इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रिंट दिया हुआ है। ये स्लीव्स आ गई इसकी,
दोनों स्लीव्स दिखा रही हूँ मैं आपको। और अब ये इसका ट्राउज़र आ गया। तो ये तमाम के तमाम जो है बनाए हुए हैं। अब ये एक और अजरक सिंधी स्टाइल है और इसके ऊपर जो है फुल ये कढ़ाई है और ये काफ़ी ट्रेंडी और काफ़ी सारे लोगों ने इसके जो है ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो ये ब्लैक पाइपिंग के साथ मैंने बनवाया है। एक और मैंने इसका जो आर्टिकल है वो वाइट पाइपिंग के साथ बनाया है। दोनों ही सेम है, बहुत ही खूबसूरत है इस तरीके से हुआ है। और इसके साथ वाइट ट्राउज़र है, शेफोन का एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा है। आर्टिकल आप लोगों को वैसे भी पिक्चर्स वगैरह में भी शो करा दूंगी। अब ये एक और आर्टिकल है, गोल्ड प्रिंटेड तवक्कल वालों का है ये भी। और इस तरीके से गले में ये फुली एम्ब्रॉयडरी है, बाकी तमाम के तमाम गोल्ड प्रिंट है। गोल्ड प्रिंट भी वो वाला प्रिंट है, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा फाइन प्रिंट है। बहुत ही खूबसूरत से आर्टिकल। और तवक्कल का फैब्रिक तो वैसे ही एक्सपोर्ट हो रहा है आजकल, तो आप लोगों को आइडिया हो ही रहा होगा कि काम इसका कितना अच्छा है। ये एक और कैपरी आ गई। तो आज के मेरे आर्टिकल कंप्लीट होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके वीडियो के साथ हाजिर होंगी दोबारा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।